तो वेलकम गाइस, अपनी पहली वीडियो चैनल पे, एक नया चैनल बनाया भाई, तो सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको यही बोलता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बेस्ट ऐप कौन सा है स्ट्रीमिंग के लिए। अगर आप अच्छे गेमर हैं और यूट्यूब पे स्ट्रीम करना चाहते हैं तो बेस्ट ऐप कौन सा आपके लिए। तो भाई मेरी नज़र में आज तक का एक्सपीरियंस भाई कम से कम एक साल हो गया मेरे को, तो सबसे बेस्ट ऐप है भाई टर्निंग। इसमें जितने भी फीचर है भाई एकदम नेक्स्ट लेवल के फीचर हैं। जैसे कि अपन सबसे पहले हम स्ट्रीम करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, जैसे कि आप में स्ट्रीम सेटअप का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। स्ट्रीम सेटअप पे आप टैप करोगे, सिंपली आपके सामने ऐसा खुल जाएगा भाई पेज। तो कुछ नहीं करना भाई, जो है वो भी आप रिसेंटली गेम खेल रहे हैं उस पर टैप करो, या फिर भाई नहीं मिल रहा तो मोर गेम्स पे जाके अपना गेम देख लो। बहुत सारे गेम है भाई, जितने भी गेम होते हैं सब गेम मिल जाएंगे भाई, सब के सब टोटली। या फिर आप कोई डाउनलोड करते हैं नया गेम, वो इसके अंदर अपने आप ऐड हो जाता है। कोई भी बड़ी बात नहीं, इसमें सब सेलेक्ट करो और भाई अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं तो नहीं बोलता लैंग्वेज सेलेक्ट करो, ये तो बस धांधलेबाजी है। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आप आ जाते हैं स्ट्रीमिंग टाइटल पे। अब दिल आपका दिल चाहे वैसा आप यहाँ पे टाइटल रख सकते हो भाई, जो भी आप गेम खेल रहे हो अपने तरीके से, जो भी आप रखना चाहते हो कुछ भी रखते हो। जैसे कि मैं नाम लिखता हूँ, मेरा भाई नाम ही लिख लेता हूँ, दीपक कहते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं हम, डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, स्ट्रीम डिस्क्रिप्शन में जो भी आप लिखना चाहते हैं। बाकी खुद भी लिख के देते हैं, अच्छे लिख के देते हैं, मैं नहीं बोलता गलत लिख के देते हैं, क्योंकि सब कुछ टैग कर रखा है, अच्छे नेक्स्ट लेवल टैग करते हैं भाई। हैशटैग देखो भाई, BGMI लाइव ऐसे कुछ कर रखा है यहाँ पे, फिर भी बेस्ट है भाई। अगर फिर भी अपना अपना खुद का रखना चाहते हो, किसी बड़े यूट्यूबर को टैग करना चाहते हो, तो कर सकते हो यहाँ पे नाम लिख कर उसका, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आता है अपना ऐड थंबनेल भाई। सिंपली आपको आपने खुद का कोई थंबनेल बना रखा हो तो वो ऐड कर सकते हैं, या फिर भाई अपना स्ट्रीम से बाद में एडिट कर सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो से, ठीक है भाई। जैसे कि अभी मैं करता हूँ ये वाला टैप करना, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सो भाई बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं अपन, नेक्स्ट पे आता है भाई इसका स्ट्रीम क्वालिटी। अगर आप अच्छा वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो भाई 1080p में चलाओ, कोई लैग वैग का तो कुछ नहीं है, सिंपली मैं बता रहा हूँ आपको। मैं उससे भी किया है भाई, डाटा से भी किया हूँ, और भाई अभी वाईफाई से चला रहा हूँ मैं। तो भाई डाटा वाले के लिए तो बोलता हूँ 1480p में करो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई अपना नेटवर्क भी देखना है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेट पीता है भाई। तो मैं चूज़ करता हूँ चलो 1080p। अगर अपन क्या करते हैं ना, वो अपने देखना चाहते हैं कि भाई स्ट्रीम कैसी होती है, क्या क्वालिटी है, तो आप यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रीम ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपको दिखेगी अपनी स्ट्रीम, कभी स्ट्रीम कर रहे हो तो कैसी क्वालिटी जा रही, कैसी वॉइस जा रही, आप ये भी ट्रायल ले सकते हो अपने यूट्यूब के साथ, ठीक है। तो भाई अपन नीचे आता है स्ट्रीम होम, और किस पे स्ट्रीम करना चाहते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विच पे, किसी भी करना चाहते हो सेलेक्ट करो, अकाउंट ऐड करो और भाई इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में करते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम रिव्यू, ठीक है भाई। ये आते हैं यहाँ पे स्ट्रीम का, क्या रहता है ना नीचे, ये था ओवरले होता है भाई, ओवरले सेलेक्ट कर सकते हो आप अपना ओवरले, अपने ऐड तुमने ऐड कर रखा हो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि अभी ये मैं लगा रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा ये ओवरले। आपने क्या करना है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे करना है, और फेस रिव्यू भी कर सकते हो भाई साइड में ना, ये फेस रिव्यू भी कर सकते हो अपना, और ये स्टार्ट स्ट्रीमिंग। तो मैं फेसबुक से वो नहीं है, लिंक नहीं है, तो इसलिए स्ट्रीम नहीं हो सकता। अगर देख, जैसे कि मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ यूट्यूब वाला, तो हो जाएगा सिंपल, कुछ भी नहीं भाई, बहुत इजी। अब अगर आप इस ऐप को यूज़ करना चाहते हो तो बहुत इजी भाई, अच्छे से ग्रो कर सकते हो। देवी में चल चुका है, और यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए मेरे को सिंपली क्लिक करना होगा, सिंपली इस पर टैप करना होगा और स्ट्रीम चालू हो जाएगी, और आप YouTube पे लाइव हो जाएंगे गाइस। थैंक यू गाइस, इतना ही था। सब्सक्राइब कर दिया यार, पहली वीडियो, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं हम भी कुछ करने की। थैंक यू।